वालेकुम रफी के जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम स्पेशल आइटम कराची हलवा। किस तरह बनाते हैं मैं इजीली एकदम आपको बताता हूँ, पूरे मेजरमेंट के साथ एकदम परफेक्ट बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं मिर्चा दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने शक्कर ले लिया है, शक्कर है हमारा 400 ग्राम और 125 ग्राम है हमारा कॉर्नफ्लावर और ये 750 ग्राम हमारा पानी है, 3 टेबल स्पून जैसा लेमन जूस है, आधा टी इलायची है पाउडर और कुछ फूड कलर रख दिया है हमने और 100 ग्राम हमारा घी है। और अब हम आपको मिक्स करते हुए दिखा देते हैं। तो अभी कॉर्नफ्लावर के अंदर हम पानी मिला देंगे, पूरा पानी इसके अंदर हम डाल देंगे 750 ग्राम। इसे खूब बढ़िया से मिक्स कर लें, अंदर गुठलियां ना रहे। तो ये हमारा रेडी हो गया है बेटर, अब इसे रखते हैं हम साइड में। तो अब चलते हैं सिरप बनाने के लिए। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम बना लेंगे चाशनी। तो 400 ग्राम शक्कर हमारा हमने इसके अंदर डाल दिया और थोड़ा सा पानी है हमारा, आधा कप पानी है यानी 100 ml जितना इसके अंदर हम डाल देंगे। तो बस ये शक्कर हमें कुछ गाढ़ा नहीं करना है, गाढ़ी चाशनी नहीं बनाना है, बस खाली इसको क्या करना है, शक्कर हमारी पिघल जाए बस। तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर लेमन हमें डाल देना है ताकि कोई क्रिस्टल ना हो। कॉर्नफ्लावर जो हमने मिलाया था पानी के अंदर वो इसके अंदर अब हमें ऐड कर देना है। गैस स्लो करके इसको कंटिन्यू आपको चलाते रहना है, पास बिल्कुल नहीं रखना है और ये हिसाब से इसको बनाना है कि कम से कम 40 मिनट तक के आपको पकाना है। तो कराची हलवा बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी है और अगर सही तरह से आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे, हमारी वीडियो को देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से मैं बता दूंगा कि कराची हलवा किस तरह बनाते हैं। क्योंकि मेन चीज़ उसका क्या है, रबड़ होना ज़रूरी है। अगर आपका रबड़ नहीं होता, स्ट्रेचेबल नहीं होता है तो फिर कराची हलवा फिर किसी काम का नहीं। तो इसके लिए रबड़ तब होगा जितना ज़्यादा वक्त लगेगा, यानी स्लो फ्लेम पे आप पकाते रहेंगे तो उस हिसाब से आपका वो रबड़ होते चला जाएगा। आधा टीस्पून जो हमने इलायची पाउडर रखा था वो इसके अंदर हम डाल देंगे और कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देख सकते हैं मेरा ये थिकनेस होने लगा है, घट हो रहा है, तो इसे अभी हम कंटिन्यू पकाते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं थिकनेस होते जा रहा है, अभी ज़्यादा ज़्यादा मुझे 7 से 8 मिनट हुए हैं। आपको रुकना नहीं है, बस कंटिन्यू इसको मेहनत करना है, चलाते रहना है। अब जब इतना थिक हो जाए तो थोड़ा सा करके तेल डालें, 1 टेबल स्पून जितना तेल डालें और फिर मिलाते रहें, फिर 1 टेबल स्पून जितना डालने का, फिर कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ये देख सकते हैं सोख लिया, फिर से हमें 1 टेबल स्पून डालना है और चलाते रहना है। तो दोस्तों देख सकते हैं 100 ग्राम हमने लिया था घी, वो इसके अंदर पूरा ऑब्जर्व हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हो 20 मिनट हो गया मेरा, अब ये थिकनेस अच्छी तरह से होने लगा है, थोड़ा और पकाएंगे। अभी तक ये घी पी रहा था और अब देख सकते हैं आप पूरा घी ये छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देते हैं इस टाइम। दोस्तों अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा काजू नट, रेडी हो गया है और मैं अब इसको डाल के दिखाता हूँ। तो दोस्तों मेरे पास छोटी कोई ट्रे नहीं है, इसके लिए मैंने क्या किया है, जुगाड़ लगाया है, एक ट्रे के अंदर मैंने बीच में आटा रख दिया है क्योंकि कम क्वांटिटी में हमने बनाया है और एक साइड हम इसको डाल देंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था 100 ग्राम का मेजरमेंट हमने बताया था आपको, तो हिसाब से क्वांटिटी हमारा कम हुआ है तो लेवल में थोड़ा सा गड़बड़ है, कम से कम ट्रे के अंदर लेवल हो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए तो थोड़ा मजा आता है। पहली बार हमने बनाया है, ये समझ लो ना कि मेरा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे दोस्तों को हमने बनाते हुए देखा लेकिन हमने कभी नहीं बनाया था। तो ये हमने रख दिया, अब इसे क्या करते हैं, रखते हैं हम आधा पौना घंटा के लिए हम फ्रिज में, ठंडा होगा उसके बाद में हम आपको दिखाएंगे कट करते हुए। मैंने ठंडा करके निकाल लिया है, तो अब इसे क्या करते हैं हम पलटी मार देते हैं, पलटी मार के और कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने निकाल दिया है और इसे अब हम कट कर देते हैं। माशाल्लाह गजब का रबड़,
तो दोस्तों अब इसे हम पीसेस कर देते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर पीसें आप काट दें, साइज आप अपने हिसाब से बना लें। लेकिन हलवा, ये वाला हलवा, तो इसी तरह सारे के पीस को हम काट लेते हैं। तो दोस्तों हमने कटिंग कर लिया, काट देते हैं मस्त एकदम। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कराची हलवा बना के कटिंग करके हमने आपको दिखा दिया है। और ये बहुत ही रबड़ जैसा होता है, इतना रबड़ होता है कि मतलब हम लोग बचपन में खाते थे ना, ये देख सकते हो आप, ये एकदम खींचते रहता है आदमी, खींचते रहता है। तो ये बहुत ही जबरदस्त, और ये हलवा ऐसा है कि जब तक ये रबड़ नहीं होगा तब तक ये आपको मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मैंने ये हलवा कभी नहीं बनाया था, हमारे साथ हमारे दोस्त लोगों ने बहुत सारे हलवे बनाए लेकिन मैंने कभी इसको ट्राई नहीं मारा। आज फर्स्ट टाइम बना, लेकिन बहुत लाजवाब बना है। और मुझे, मैंने 40 मिनट आपको बोला था, 30 मिनट के अंदर मेरा हलवा बनके रेडी हो गया है। ठीक है, तो ये रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।